तो ये आप देख सकते हैं सामने टनल बन रहा है, ये जो देखने को मिलेगा इसका रूफ बंद होगा ऊपर से, मतलब कि कट एंड कवर टनल टाइप होगा ये, शायद से कैनोपी कहते हैं इसे। तो ये देख सकते हैं ऊपर वाले रोड पे भी काफ़ी ज़्यादा काम बाकी है, बाकी टनल को अच्छे से दिखा देते हैं जिसका काफ़ी टाइम से काम लगा हुआ है। तो ये आ जाता है जम्मू श्रीनगर हाईवे नेशनल हाईवे 44 डिस्ट्रिक्ट रामबन में। तो ये रामबन बनिहाल वाला रोड आ जाता है, तो आपको ये रामबन बनिहाल वाले रोड में प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा, वर्कर्स वगैरह भी सभी साइड पे हैं, काम चल रहा है, पिलर्स देख सकते हैं यहाँ पे। तो अच्छी बात ये है अभी पहाड़ी से पत्थर गिरते नहीं हैं जैसे कि रामन वाली साइड में देखने को मिलता है, वहाँ पे तो मतलब पूरा कट एंड कवर वाला टनल था, पूरा डैमेज ही हो चुका है, पहाड़ी से पत्थर गिरते हैं, बट यहाँ पे ऐसा कुछ सीन देखने को नहीं मिल रहा है जो कि काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि अभी काम करते वक्त इनको ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही। तो थोड़ा आगे चल के और अच्छे से दिखाने की कोशिश करूँगा मैं, तो तब तक मैं बता दूँ अगर आप यूट्यूब पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे आने वाली वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल जाए। साथ में फेसबुक वीडियो को देख रहे हो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर बटन पे क्लिक करें और फेसबुक पे फॉलो कर दें ताकि आने वाली वीडियोस जब भी डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए और सबको सबसे पहले आपको वीडियो शो हो जाए। तो ये देख सकते हैं टनल, यहाँ पे पिलर देख सकते हैं, तो सेम ये दो मतलब दोनों साइड शायद से अंदर से ही रहने वाली है कट एंड कवर के साइड से, तो ऊपर वाली साइड भी और नीचे वाली साइड भी ये देख सकते हैं। अब इस वाली साइड में खाली पीछे वाली साइड तक हुआ, इसके आगे भी और काम होना बाकी है, बाकी है। पीछे पहाड़ देख सकते हैं, सामने एक और टनल आ जाता है उसके अंदर भी चलेंगे, तो बाकी आप वीडियो में देख सकते हैं। तो बाकी रोड की हालत थोड़ी सी ख़राब है, अभी अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, कुछ ही दिन रह गए बस अब, और साथ में रामन फ्लाईओवर का काम भी ज़ोरों से ही चल रहा है। पहले जैसे कि 1 जुलाई के लिए कह रहे थे रामन फ्लाईओवर ओपन हो जाएगा, अब कह रहे हैं कि 5 जुलाई के लिए टाइमलाइन का मतलब कह रहे हैं, देखते हैं अब 1 जुलाई को ओपन होता है या नहीं होता, अगर 1 को नहीं हुआ तो अभी 5 जुलाई के लिए कह रहे हैं। तो ये देख सकते हैं आ जाता है कट एंड कवर वाला टनल जो कि आ जाता है सेरी के आगे वाली साइड, तो अभी इसको बनने में भी लगभग मुझे लग रहा है 2 साल लग जाएंगे आराम से, 2 साल से तो पहले ये वाला प्रोजेक्ट भी कंप्लीट होना तो मुश्किल लग रहा है। तो बाकी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं अच्छे से मशीनरी वगैरह लगी यहीं पे, साथ में नीचे वाली साइड में कंपनी का प्लांट भी यहीं पे है, तो यहाँ पे ऊपर सरिया वगैरह बांधा हुआ है। थोड़ा और आगे चलते हैं और थोड़ा और आगे चल के मैं फिर से दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे भी देखते हैं सरिया आगे तक है, तो ये टनल अभी आगे तक आने वाला है, तो दोनों साइड इसकी टनल के अंदर से ही रहेंगी। तो ये कंपनी का नीचे आ जाता है प्लांट, तो यहाँ पे देख सकते हैं साथ साथ में एक दीवार भी दे रहे हैं, सेफ्टी वॉल भी साथ साथ में आपको देखने को मिलेगी ये रही, क्योंकि यहाँ पे शायद पहाड़ी से पत्थर आते हैं तभी, बट उतने पत्थर नहीं आते जितने रामबन वाली साइड में आते हैं जो कि कैफेटेरिया वाली साइड रामबन में आते। तो ये पीछे देख सकते हैं यहाँ से ऐसा कुछ टनल दिखता है और ऐसा कुछ टनल रहने वाला है, ये अभी शायद से आगे तक आएगा। और तो अभी निकलते हैं इस वाले टनल के अंदर जो कि रेडी है, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया इस टनल को, काफ़ी देर से ओपन है ये वाला टनल, तो इसके अंदर चलते हैं। तो एक साइड तो ये है टनल की, अब दूसरी साइड शायद से नीचे से जाएगी, अभी तो कंपनी का प्लांट है बट बाद में अभी 4 लेन को ना लगभग 3 से 4 साल लग जाएंगे, 4 साल मान के चलिए पूरा, अगर रामबन से बनिहाल तक की हम बात कर दें और ढलवास वाले एरिया की बात कर दें तो 4 साल कहीं नहीं गए, 4 साल लगेंगे ही लगेंगे। तो ये देख सकते हैं टनल लाइटिंग वगैरह अच्छी है टनल के अंदर, और टनल के उस पार क्या है वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो यार ये अच्छा होता ना कि हम पे अगर ट्विन ट्यूब वाले टनल बनाए होते, क्योंकि जब बाद में जब 4 लेन रेडी हो जाएगी, एक साइड से जब आप कश्मीर से आ रहे हैं तो आप टनल से आएंगे, बट जब जम्मू से श्रीनगर जा रहे हैं तो आपको बाहर से घूम के जाना पड़ेगा, उसमें क्या कर रहे हैं पुराने वाले रोड को रिपेयर वगैरह करके वाइड करके वहाँ से जाना। अच्छा होता कि ट्विन ट्यूब टनल दूसरी वाली साइड से भी टनल बनाया होता तो डिस्टेंस भी बचता, टाइम भी बचता। तो आपको मैं दिखाता हूँ दूसरी साइड वाली क्या है, क्या रहने वाले है, दूसरी साइड रोड कहाँ से रहेगा वो आपको वीडियो में दिखाते हैं हम दूसरी साइड चल के।
ये देख सकते हैं दूसरी वाली साइड ही आ जाता है पुराना वाला रोड, शायद से इसी को रिपेयर करके यहाँ से घूम के आपको जाना पड़ेगा। अच्छा ये होता कि अगर नीचे वाली साइड से भी कोई टनल वगैरह बनाया होता या इस रोड नीचे वाली साइड की रोड की हाइट बढ़ा के एक और ट्यूब वाला टनल होता तो दोनों साइड से जो आप जम्मू से श्रीनगर जा रहे हैं श्रीनगर से जम्मू जाते तो डिस्टेंस भी बचता टाइम भी बचता, बट ऐसे आपको घूम के जाना पड़ेगा जिसमें काफ़ी टाइम वेस्ट हो सकता है। क्योंकि यहाँ देख सकते हैं जब ऊपर वाला टनल रेडी है जब आप कश्मीर से वापस आएंगे बाद में तो काफ़ी टाइम इस वाले टनल से बचने वाला है। फिलहाल तो अभी जब अमरनाथ यात्रा है वो यहीं इसी टनल से आएगी भी जाएगी भी, और फिलहाल कुछ साल तक यही वाला टनल ओपन रहेगा, चाहे आप गाड़ी से आ भी रहे हैं या जा भी रहे हैं तो अभी यही है। नीचे वाली रोड का भी 4 लेन में से 2 लेन का भी काम काफ़ी ज़्यादा बाकी है पूरे एरिया में। तो और आगे चलते हैं, और आगे चल के हम नीचे वाली रोड फिर से मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये देख सकते हैं सिर्फ ओवरटेक 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 करते हैं आप इन रोड्स पे, सिर्फ ओवरटेक करते हुए आपको लोग दिख जाएंगे। ये देखो जिसकी मैं बात कर रहा था, ये देखो कितनी सी जगह छोड़ी। तो ये चीज़ नॉर्मल है, जब भी आप चलें जम्मू श्रीनगर हाईवे पे तो ध्यान से चलें, आपकी गलती नहीं भी होगी बट कोई और आपको ठोक के जा सकता है। तो आगे चलते हैं, अभी नीचे वाला रोड दिखाएंगे, साथ में जो आगे एक और टनल आता है वो भी दिखाएंगे। जो उस टनल के पहले जो ब्रिज का काम चल रहा है ना आगे वाले टनल के पास भी सेम सीन रहने वाला है। एक साइड आपको टनल देखने को मिलेगा और दूसरी साइड आपको वही पुराने वाले रोड को रिपेयर करके इतना घूम के आना पड़ेगा, तो वही चीज़ आपको आगे चल के भी देखने को मिलेगी। तो ये देख सकते हैं नीचे वाला रोड जिस ये अभी वैसा क्या वैसे ही है, इसको ही फ्री करके एक साइड से मतलब इसको ही रिपेयर करके एक साइड से नीचे वाला ही रोड रखेंगे, एक साइड से जो ऊपर वाला रोड है जो कि सीधा टनल से कनेक्ट होता है उसको रखेंगे। तो नीचे वाले रोड का भी बहुत ज़्यादा काम बाकी, आगे चलते हैं, आगे चल के मैं आपको टनल भी दिखाता हूँ और साथ में जो टनल के बाहर ब्रिज का काम चल रहा है वो भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप सामने आ जाता है टनल, ये देखो भाई साहब जिसकी मैं बात कर रहा था, रैश ड्राइविंग ओवरटेकिंग बस ये सब चीज़ें नॉर्मल है और यही सब चीज़ें एक्सीडेंट करवाती है, हर दिन एक्सीडेंट होते ही होते हैं रोड पे। तो ये देख सकते हैं ये आ जाता है ऊपर वाली साइड में टनल आ जाता है, नीचे वाली साइड में पुराना वाला ब्रिज था उसको तोड़ छोड़ के रिपेयर करके अब नया वाला ब्रिज बना रहे हैं। तो ये देख सकते हैं उसको तोड़ के नया वाला ब्रिज बन रहा है, नीचे नए वाले ब्रिज का काम चल रहा है। कि नीचे वाली साइड में भी टनल होता ना तो ऊपर पहाड़ देख सकते हैं, नीचे वाली साइड में भी जैसे अगर ये देख रहे हैं ना ब्रिज, ब्रिज के सामने अगर टनल होता तो आपका टाइम भी बचता, फ्यूल भी बचता, डिस्टेंस भी कम होता। बट ये क्या कर रहे हैं ब्रिज के साथ में आप देख सकते हो इतना वो रोड को आपको घूम के उस पहाड़ी के एंड पे जाना पड़ेगा, फिर वैसे ही घूम के आपको जाना पड़ेगा। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा गलत है, अगर पॉसिबल हो सके तो नीचे वाली साइड में भी टनल देना चाहिए। अब इतना रोड्स पे खर्चा हो चुका है, थोड़ा सा और खर्चा हो जाए तो उसमें कोई इशू नहीं है। अगर नीचे वाले देख सकते हैं जैसे ऊपर वाले रोड पर टनल है ना, नीचे वाले जो ब्रिज बन रहा है इसके सामने भी एक टनल होना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। बाकी क्योंकि नहीं होगा ना तो आपको वो घूम के जाना पड़ेगा उस सैंड पे, फिर वैसे ही घूम के आना पड़ेगा तो इतना ज़्यादा दूर पड़ेगा और इतने ज़्यादा कर्व्स हैं। ये देख सकते हैं ब्रिज के साथ में कितना बड़ा कर्व आ जाता है, तो ये मतलब ये सही चीज़ नहीं है। तो आगे चल के मैं आपको ये टनल दिखाऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में इस टनल को अच्छे से देखेंगे और इसके आगे वाले जो रोड का काम है वो भी देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम टनल डिटेल में देखेंगे, इस टनल में इस वीडियो में भी थोड़ा सा मैं आपको टनल दिखा देता हूँ, टनल के अंदर लाइटिंग वगैरह कैसी है वो सब भी देखेंगे आप। बाकी ये देख सकते हैं इस टनल के बाद भी ना ब्रिज जो बना है ये भी मेरे सामने बना है, ये जब टनल ओपन नहीं हुआ था ना तब भी मैं इस टनल के अंदर आया था, उसके अंदर वीडियो डाली थी मैंने। और ये जो ब्रिज है ना जिसके ऊपर से भी जा रहा हूँ ये तब तैयार नहीं था, जब तैयार हो रहा था तब भी मैंने इसकी आके वीडियो दिखाई थी, आज तो सभी इस ब्रिज के ऊपर से चल रहे हैं। बट जब ये ब्रिज रेडी नहीं था हम तब भी यहाँ पर आए थे और हमने तब भी कवर करा था। तो अगर आप वो नहीं देखे आपको पुरानी वीडियोज़ में मेरा यूट्यूब पर आपको देखने को वीडियो मिल जाएगी। तो ये रहता है टनल, ये आ जाता है मरोग वाला टनल और जहाँ तक रामन से बनिहाल वाली साइड जा रहे हैं तो पहला टनल ये ही आता है और यहाँ पे लाइटिंग वगैरह अच्छी है। और जो इससे पहले वाला टनल हमने क्रॉस करा था ना उससे थोड़ा बड़ा है ये वाला टनल। तो अगर ऐसे नीचे वाली रोड के साथ भी इस टाइप का टनल होता तो आपको कितना टाइम बचेगा।